बड़ी खबर आ रही है ब्रेकिंग न्यूज जयपुर से। बड़ी खबर, एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में 14 ट्रेनी एसआई की कोर्ट में पेशी होगी आज। एक दिन की रिमांड पर एसओजी कोर्ट में पेश करेगी। 13 दिन के रिमांड पर रह चुके 14 ट्रेनी एसआई। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले से जुड़ी यह बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 14 ट्रेनी एसआई की कोर्ट में पेशी होगी आज। एक दिन की रिमांड पूरी हो रही है इन लोगों की, कोर्ट में एसओजी की तरफ से पेश किया जाएगा। 13 दिन की रिमांड पर कुल मिलाकर ये 14 ट्रेनी एसआई रह चुके हैं, तो आज एक दिन की रिमांड ये पूरी होने वाली है और इसी वजह से एसओजी इन्हें कोर्ट में पेश करने जा रही है। विष्णु शर्मा से और बात करते हैं। विष्णु, कब है कोर्ट में पेशी का वक्त? देखिए, अब तक करीब आधे घंटे के भीतर आरोपियों को लेकर के एसओजी कोर्ट पहुंचेगी और वहां से बताया जाएगा कि रवाना एसओजी की टीम हो गई है। तो कुछ देर में कोर्ट में पेशी होगी। यहाँ भी जो वकील बचाव पक्ष के और अभियोजन जो अधिकारी है जो कोर्ट के, वे यहाँ पर ऊपर कोर्ट के बाहर मौजूद है। उनके जो आरोपी ट्रेनिंग सभी पत्र है उनके परिजन यहाँ पर मौजूद है और उनके आने का इंतजार यहाँ पर किया जाए, जिसके बाद अब देखा जाएगा कि क्योंकि अब तक सभी 14 ट्रेनिंग समीक्षा 13 दिन का उनकी रिमांड की अवधि तीन बार में पूरी हो गई। सबसे पहले 6 दिन के रिमांड पर लिया गया, उसके बाद वापस से 6 दिन के रिमांड पर लिया गया और आखिरकार फिर 1 दिन का रिमांड लिया गया। तो आज अधिकतम जो रिमांड की अवधि होती है वो 14 दिन होती है। 13 दिन की रिमांड अवधि ली जा चुकी है एसओजी द्वारा। अब देखा जाएगा क्या एसओजी आज भी 1 दिन का रिमांड मांगेगी या फिर वो सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजेगी। वहीं पर इन सभी आरोपियों को जो अभिरक्षा है, मतलब जो इलीगल डिटेंशन यानी क्या गैर जो अवैध हिरासत कहते हैं, क्या कोर्ट उसमें भी आज फैसला सुनाने वाली, क्या इन सभी आरोपी को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया था नहीं रखा गया था, इसके ऊपर भी आज कोर्ट फैसला सुनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु शर्मा आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए।